मैंने जो है जम के खाया वहाँ पर अभी, तो फिलहाल तो अभी मेरी चलने की हिम्मत नहीं हो रही है, मेरा गेट काफ़ी आगे है, ये वॉकिंग हो जाएगी अच्छी खासी, बस चलते रहो चलते रहो चलते रहो। 85 से 90 का है, सबसे कॉर्नर में, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कहाँ ही फेंक दिया मेरे को। वहाँ डाली लॉन्च एक कॉर्नर पे, इधर दूसरी कॉर्नर पे ही है। अब मैं एकदम लास्ट कॉर्नर पे जा रही हूँ पार्किंग के, जहाँ पर स्पाइस जेट जो है ऑपरेशन करती है जहाँ से, और मुझे डिस्प्ले बोर्ड पर जो है क्लियरली दिख रहा था 85, 86, 87 के लिए ये वाला हमारे पास ऑपरेशन गेट था। यहाँ पे पहुँचते ही काफ़ी लंबी क्यू थी, क्योंकि प्रीपोन की गई थी फ़्लाइट मेरी, 4 बजे की फ़्लाइट 3:15 की कर दी गई थी, तो इसकी वजह से मैं जल्दी पहुंच तो गई थी, बट इन्होंने बोर्डिंग जो है यानी कि एयरक्राफ्ट में जो है इन्होंने 3:45 के अराउंड एंटर किया था। यहाँ से मैं एंटर करते ही ये व्यू दिखाते हुए आपको, यहाँ से मुझे राइट जाना है, ये जो आपको लेन दिख रही है बड़ी सी, राइट होते ही ये एक एडजस्टेबल आप कह सकते हो, वहाँ से हम जो है डायरेक्टली एयरक्राफ्ट के अंदर बैठेंगे अभी, क्योंकि व्यू थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है, बारिश हुई नहीं है सुबह से तो मुंबई में, तो अभी थोड़ा व्यू सही है हमारे लिए, तो अभी हम फटाफट से चलते हैं। पार्किंग में तो काफ़ी सारी एयरक्राफ्ट खड़ी थी, बट ये स्पाइस जेट के पास हम एकदम आ गए हैं। अब यहाँ पर भी एक सिक्योरिटी स्टाफ में एक फ़ीमेल मेंबर थी, जो कि हमारे बोर्डिंग पासेस को चेक कर रही थी और आई गेस कुछ लिख रही थी, आई डोंट नो क्या था वो, जिसकी वजह से ये इतनी बड़ी क्यू लगी हुई थी। अराउंड 4 o'clock हमने एंटर किया था एयरक्राफ्ट में, उससे पहले तक हम लोग यहीं पर ही आगे पीछे हो रहे थे, तो अभी मैं एकदम क्लियरली गेट के सामने हूँ एयरक्राफ्ट के, तो यहाँ से मैं एंटर करते ही अपनी सीट के लिए जाऊँगी। मेरी एक्चुअली विंडो सीट है 27, तो उसके लिए मुझे यहाँ से सीधा चलना है। आपको ये ब्लैक सीट्स दिख रही हैं, ये एक्चुअली बिजनेस क्लास है, यहाँ से जो रेड सीट्स हैं पीछे की तरफ, ये आपको जो है ये सारी की सारी इकोनॉमी क्लास की दिख रही होंगी, तो आपको ऐसी फॉलो करते हुए अपनी सीट ढूंढनी है यहाँ पर, और ऊपर जो है डिस्प्ले में आपको विजिबल हो जाएंगी जितनी भी सीट नंबर्स है, सपोज़ ए बी सी करके होती है, तो ए फॉर विंडो, बी फॉर मिडिल एंड सी फॉर आईएल के जो नियर में सीट होती है वो वाली होती है, तो आप ये सर्च आउट कर लोगे आई नो। इन सर के जस्ट विंडो वाली जो सीट है वो वाली मेरी थी, तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया हम बिली, तो वो लोग थोड़े से एडजस्ट हो गए, मैं अंदर जाके बैठ गई थी। फाइनली मतलब यहाँ बैठ करके व्यू तो अच्छा आ रहा है, बट गर्मी बहुत ज़्यादा है क्योंकि एसी नहीं चल रहा है। बाहर आपको अच्छा प्लेजेंट मौसम तो दिख रहा होगा, बट ये इस वजह से है क्योंकि अभी बारिश नहीं हुई है। अब यहाँ पे जो पायलट था हमारे बोर्डिंग से जस्ट 5 मिनट पहले ही आया था, हमारा जो पायलट था थोड़ा लेट था एक्चुअली। अभी यहाँ पर जो आपको दिख रहा होगा स्लम एरिया है, यहाँ जरी मरी कहते हैं एक स्पॉट है, वहाँ से आप जो है लैंडिंग और टेक ऑफ जो है देख सकते हो फ्लाइट्स के, काफ़ी सारे होते हैं। अभी मैंने यहाँ सोचा था कि इतनी तेज़ी में तो हमारे पायलट साहब लेकर आए हैं तो हम एक ही दम से फ्लाई करने वाले हैं, बट यहाँ पर क्योंकि बारिश तेज़ हो गई थी इन्होंने वापस से थोड़ा सा आगे ला करके रोक दी थी एयरक्राफ्ट हमारी, फॉर अ सिक्योरिटी रीजन आप कह सकते हो। बट यहाँ के बाद जो है यहाँ पीछे जहाँ ब्लू कलर का एक आपको घर सा दिख रहा है, यहाँ से जो है एगेस होता है। अब हम चल चुके हैं, अभी भी नहीं जा रहे क्या यार? अब तो नहीं चल सकता, जल्दी करो, अभी भी ऐसे जाने वाला, मुझे ऐसा ही आइडिया है, बट आई एम सरप्राइज कि एकदम से इतनी तेज़ी में और हम सीधा आसमान में, मतलब पता ही नहीं चला कब हम लोगों ने टेक ऑफ कर लिया था यहाँ से मुंबई एयरपोर्ट से, बारिश की वजह से तो थोड़ा लेट हुआ ही था, बट हमने टाइमली कर लिया था। Thank you.
अभी जैसे आपने देखा काफ़ी अच्छी धूप खिली हुई थी मुंबई में, क्योंकि 15-20 दिन से धूप ही नहीं निकली थी, बारिश इतनी हो रही थी। तो जैसे ही मैं बीचों बीच पहुंची ना ऊपर आसमान में, धूप इतनी अच्छी लग रही थी, ऐसे लग रहा था कि मैं सो जाऊं बस। बट उसके जस्ट बाद ऐसे अनाउंसमेंट हुई कि दिल्ली पहुंचने से जस्ट पहले कि कुछ वेदर में ख़राबी की वजह से, तो आपको अगर ये विजिबल होगा, अभी आपको थोड़ा धीरे दिख रहा होगा इससे पहले वाइब्रेशन, बट इसके जो ये विंग्स है काफ़ी ज़्यादा हिल रहे थे, इसके साथ साथ एयरक्राफ्ट भी हिल रहा था, जिसकी वजह से डर तो बहुत लगा था। बट इतना एक्सपीरियंस था कि नहीं, ये चीज़ें टेम्प्रेरी है, मतलब इसके लिए इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा सोच के थोड़ा सा काम डाउन में खुद से हो गई थी थोड़े देर के लिए। देन उसके बाद सेफली हमने लैंडिंग की थी और इंस्ट्रक्शंस भी सही से मिल गए थे हमें, उन्होंने पहले ही बता दिए थे जो जो करने थे। क्लोज ये पे हम लोग आ गए दिल्ली। अब जो ये आपको व्यू दिख रहा होगा ये मैं बता सकती हूँ दिल्ली का ही है, क्योंकि इस तरफ से ही ज़्यादातर जो फ्लाइट्स हैं मेरी टेक ऑफ करती थी मुंबई के लिए, तो मुझे ये याद है। और अब हम जा रहे हैं झटपट से लैंडिंग करने। देखा आपने कितनी फास्ट एंड स्मूथ थी लैंडिंग यहाँ पे। और इसके जस्ट बाद मुझे जो करना है वो पहले कैब चेक करनी है, क्या फेयर चल रहा है, बारिश तो नहीं हो रही है वहाँ पर। तो जैसे ही मैंने ओपन किया अपना फ़ोन, पता लग गया, मतलब 400-500 से नीचे कोई फेयर नहीं था। यहाँ पे भी हमें थोड़ा टाइम लग गया निकलने में, एक्चुअली इन लोगों ने थोड़ा टाइम लिया था यहाँ पर अटैच होने के लिए, जब तक हमारे लिए नहीं हो रहा था। और होते ही बेल्ट नंबर कहाँ थी, 7 बेल्ट नंबर, मतलब वो भी और दूर मुंबई में। पहले तो गेट इतना दूर था ऑपरेशंस का इसका, और अभी जब हमें लगेज जो है लेना है वो 7 नंबर बेल्ट से, मतलब बहुत घूम के जाना पड़ा मुझे। जस्ट लैंडेड इन दिल्ली और यहाँ पे टेम्परेचर 33 डिग्री सेल्सियस है। इट्स रियली हार्श यार, मतलब मुंबई से आने के बाद इतनी गर्मी। अभी मैं वॉशरूम जा रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा जो कार्ड था उससे मैंने लाउंज एक्सेस किया है ना, मुझे ऐसा लग रहा है वहीं रह गया, तो आई नीड टू चेक अभी कि हाँ वो कार्ड मेरे पास है या नहीं। मैं वॉशरूम नहीं जा रही। अब यहाँ से मुझे जो है राइट में मैंने जा कर के एलिवेटर्स लिए थे, नीचे जाना था मुझे 7 नंबर बेल्ट के लिए, और मैं जैसे कि पहुँच गई हूँ। दूर तो काफ़ी था 7 नंबर बेल्ट, बट आपको ये चीज़ बता दूँ कि एज़ कम्पेयर टू मुंबई, दिल्ली का जो एयरपोर्ट है काफ़ी ह्यूज है टर्मिनल वाइज भी। और ये 7 नंबर बेल्ट से मैंने अपना लगेज ले लिया है। अब मैं जा रही हूँ बाहर ओला उबर पार्किंग में, जहाँ पर मैंने कैब बुक करी है। एक्चुअली एक थैंकफुली बहुत ढूंढने के बाद जो है मुझे मिल गया मेरा कार्ड। एक्चुअली मैं ऐसा हुआ था, मैंने चारों के चारों कार्ड अपने हाथ में रखे हुए थे, और एक जो रुपया वाला कार्ड था वो एप्लीकेबल था, तो वो मैंने दे दिया और उसी को सिर्फ वॉलेट में रखा, बाकी सबको पॉकेट्स में रख दिया। तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने रखा ही नहीं है वापस उसे। अभी मिल गया, अभी चलते हैं ओला उबर देखते। प्राइसेस बहुत हाइक पे है। नाउ फाइनली आई एम इन दिल्ली। अभी मैं पहुँच चुकी हूँ, कैब बुक कर ली है, अब आपसे सीधा घर पे मिलेंगे पार्टी। ऑल दो मैंने ओला के लिए रिव्यू तो डाल दिया है, बट यहाँ पर मुझे ऑलमोस्ट 1.5 से 2 घंटा खड़ा रहना पड़ा, क्योंकि 2 बार कैब जो है मेरी, एक बार तो कैंसिल कर दी थी ड्राइवर ने, दूसरी बार कैंसिल ही नहीं की थी, बताया ही नहीं, और आधे घंटे बाद वो कैंसिल करके बोल रहा है कि मैडम नहीं जा सकता मैं। थर्ड टाइम ये जो सर थे इन्होंने आके मेरा पिकअप किया, और अभी हम घर जा रहे हैं। मैं एक्साइटेड हूँ लाभों का रिएक्शन देखने के लिए। जिनको भी नहीं पता, आया हुआ पेट जो मेरे साथ आई गेस 3-4 साल से ज़्यादा से ही है, तो वो मेरे लिए ज़रूर देख रहा होगा राह कि अब आएगी मेरे से मिलने, और उसको ऐसा पता भी नहीं कि कहाँ गई है ये। तो
लास्ट उसका रिएक्शन यही था कि उसने लगेज देख के सिर्फ समझ लिया था मैं कहीं जा रही हूँ लंबा। नॉट फर्दर डिले, लेट्स जम्प इन टू द बैग एंड डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अभी जितने भी गिफ्ट्स हैं, वरना ये टाइम लग जाएगा मुझे। ये मैं 3-4 लाई थी अपने ब्रदर के लिए, मेरा छोटा भाई है। ये ऐसे ही नंगा दंगा कहीं भी खड़ा हो जाता है, इसकी आदत है। पापा की तबीयत थोड़ी ख़राब है तो इस चीज़ को लेके मत सोचना आप लोग कि ऐसे क्यों बैठे हैं, ऐसे क्यों दिख रहे हैं। तो उनको टाइफॉइड था तो इस वजह से थोड़े से अनहेल्दी अभी चल रहे हैं। अरू के लिए गिफ्ट था और इसका लकीली ज़्यादा मिल गया इसको, क्योंकि जो मेरे लिए आया था वो बाई चांस छोटा पड़ गया मेरे को, तो मैंने छोटी को ट्रांसफ़र कर दिया, तो इसलिए वो उसके लिए एक और पेयर बन गया था। और यह भी ट्राई कर करके दिखाएगी और टेंट्रम भी दिखाएगी साथ साथ, देखते रहना। और भी है ये 2 महीने तेरे लिए खरीदे थे, ये मम्मी मेरे लिए लेके आई थी पर छोटा हो गया, जीन्स भी और टॉप भी। मैंने बोला कहाँ इतना घूमने जाओगे बदलने के लिए, एक है मेरे घर में भिखारी उसको दे दूंगी मैं। ये बोल छोटा हो कैसा लग रहा है? ओ बेटे की जान तेरे में होगी ना। लूज है, ज्यादा लूज है। थोड़ी सी खींचेगी और ठीक हो जाएगी। 2 हो गए तेरे पास। अब मैं जो है खाना खा के घूमने आई हूँ थोड़ी देर के लिए, और रोड पे काफ़ी सारे कांवड़ ये जो है ले के कांवड़ आ रहे थे, बट मेरे को एक ही चांस मिला ये वाला रिकॉर्ड करने का। तो ये था आज का लास्ट वीडियो, गुड नाइट गाइस। इस ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग टिल हियर, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब, गिव योर लव।